एक साथ एक थाल में कितने भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? आप ही देख लो, आप अकेले नहाते, एक एक स्थान पर बैठ के कितने लोग नहाते, एक बाथरूम में कितने घुस जाते हो? अरे भगवान को स्नान करो, भगवान का मंत्र है महानुभाव, कहाँ तक समझाएं। भगवान का पूजवर मांगनंदी महाराज ने भगवान को ऐसे ही नहीं को उठा के डालो, उनको उठाने का मंत्र दिया। भगवान को पांडुक शिला की स्थापना करने का मंत्र दिया। जहाँ भगवान बैठते हैं उस गद्दी पर अभिषेक नहीं होना चाहिए, वो उनकी मूल गद्दी है। जैसे तुम्हारे बिस्तर में क्यों नहीं नहा लेते हो, बैठक की कुर्सी पे क्यों नहीं नहा लेते हो? भगवान के अभिषेक के लिए भी मूल स्थान पर अभिषेक नहीं किया जाता, उनको उठाने के लिए विधान किया। पांडुक शिला रखी गई, पीठ स्थापना, उस पर श्रीकार लिखा गया। श्रीकार लिखने के बाद फिर सिंहासन की स्थापना की। सिंहासन पर तो फिर बाद में उनको विराजमान करने की विधि आई। तो एक ही भगवान को उठाने का प्रावधान है। अब रही बात बड़े भगवानों का क्या करें, तो उतनी देर के लिए उसी वेदी को आप पांडुक शिला बनाइए, श्रीकार लिखिए, हाथ लगाइए वेदी को, क्योंकि उठा तो अपन सकते नहीं भगवान को, तो उठा के लगाइए कि मैं इतनी देर के लिए इसी वेदी को पांडुक शिला पीठ मानते हैं। श्रीकार लिख के सिंहासन को कमल को हाथ लगाइए, और जब उनको स्थापित करना है तो स्थापित के हाथ लगा के चरणों को स्थापना कीजिए, तब अभिषेक आप कर सकते हैं, और तभी करना ही चाहिए। एक थाली में एक पांडुक शिला पर एक ही भगवान बैठना चाहिए, क्योंकि एक भगवान पर गिरा हुआ जल, क्या एक भगवान के अभिषेक करने के बाद जो गंधोदक निकले, उस गंधोदक से दूसरे भगवान का अभिषेक कर सकते हैं? गंधोदक से? अरे गंदे पानी से नहीं कह रहा हूं, भगवान के ऊपर से आया एक मूर्ति है गंधोदक, वो गंधोदक लेके दूसरी मूर्ति में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। तो फिर एक भगवान का आप उसी भगवान में सब रख देते, ठीक है, बड़ी वेदियों पर बड़ी मूर्तियों पर एक भगवान का अभिषेक करोगे तो उसके छांटे दूसरी मूर्तियों पर चले जाते हैं, वो मजबूरी है। बड़ी मूर्तियों पर अभिषेक करते हैं तो छांटे बहुत दूर तक गिरते हैं, तुम्हारे ऊपर भी गिरते हैं, जमीन पर भी गिरते हैं। गोमटेश बाहुबली का जब अभिषेक हुआ कितनी दूर तक गिरता है? अब ये मजबूरियाँ हैं, इनको मार्ग मत मानो। विशेष महोत्सव होते हो, असक्त है, असक्त है कि इतनी बड़ी मूर्ति का पानी छोड़ा बहुत कहीं ना कहीं गिरे, तो अब उसका मार्ग लगो। नहीं, गंधोदक पैरों में गिरा तो चलता है। बोले क्यों? अरे गोमटेश बाहुबली में देखा ना। अरे भाई एक मजबूरी है, मजबूरी को मार्ग मत बनाओ। गंधोदक को एक भगवान एक पांडुक शिला पर एक ही बैठना चाहिए। आप सौ पांडुक शिला लगा लो ना, खत्म बात हुई, अलग अलग जितने भगवान है उतनी पांडुक शिला लगाओ, लेकिन एक साथ बैठा करके एक गंधोदक एक थाल में बैठालना आगम सम्मत नहीं है, नीति युक्त नहीं है, सभ्यता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए।